उत्तर प्रदेश के मैनपुरी के करैल में मजदूर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है। दरअसल उस्मानी दवाखाना पर रहकर करता था पेंटिंग का काम। यामिन पुत्र इकबाल अशोक विहार दिल्ली का निवासी था। करैल थाना क्षेत्र के किसनी रोड पर उस्मानी दवाखाना की घटना बताई जा रही है। पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आए थे आज थाने पे रिपोर्ट करने के लिए कि उनके रूम के अंदर एक बेटा जो काम करने वाला था, जो पेंटिंग करता था इनके यहाँ, जिस दवाखाना उस्मानी दवाखाना के नाम से हर जगह पेंटिंग करता था, वो यहीं रहता भी था। तो ये दो दिन बाद यहाँ पे आए पे देखे तो ये दरवाज़ा खुला हुआ था और वो यहाँ पे अमृत अवस्था में था। तो पुलिस मौके पहुँची है और इसको तुरंत सील करके बॉडी को मोर्चरी भिजवा दिया गया है। पोस्टमार्टम होने के बाद ये इसका मृत्यु कारण मालूम पड़ रहा है, इस बार पाएगा और इस पर जो है आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। मृतक सर यह कौन महिला है, कौन है ये पुरुष? ये है यामीन सनाफ इकबाल, जो निवासी अशोक विहार दिल्ली का रहने वाला है। इनके यहाँ पिछले 3 महीने से आकर यहाँ पे काम करता था, पेंटिंग काम करता था और यही रहता था।